बस 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 अब ऐसे ही बस ठीक है सर 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 आराम से आराम से सर मियां साहब का आज स्टेज शेयर करना क्या लग रहा है सर? मियां साहब जब कभी सकीना यत्तू साहिबा ने बुलाया है सर, आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी हैं, हमारे प्रोग्रामों में इनका आना कोई नई बात नहीं है, आगे भी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्रामों में आते रहेंगे ना, इसमें क्या बात है। संकेत यही है कि पार्लियामेंट के लिए शेर ही काफी है। आप लोग अलग अलग अब यहाँ इतने सारे साथी हैं, आपकी नजर एक ही पे पड़ती है यहाँ, जैसे लोगों की ख्वाहिश भी है इसीलिए हम बोल रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश है, मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा ना, हम सही मौके पे अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। बाकी रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। आप लोग एक एक आदमी को सरकार बनाने के लिए किया जाता है, कब आज की आज तक सेंटर है, इलेक्शन को पीछे क्यों लेते जा रहा है? मैं समझा नहीं क्या? जहाँ तक अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हो, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इख्तदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाजिया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। पीएजीडी स्टैंड करता है क्यों नहीं करता है? पीएजीडी के स्टेटस को क्या हुआ? अभी तारिगामी साहब ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ना, वहाँ पे और कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, तो देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिगामी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की? हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि पीएजीडी है नहीं? है जनाब, कल परसों उनकी मीटिंग भी होगी और आप देख लेंगे। तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर ईवीएम के बारे में शिकायत भी करूं, तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा पेपर बैलेट करें, तो ठीक है ना, फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, हमें मुकम्मल इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाजत नहीं देनी होगी। सर, दस्तार से लोग भी मायूस है सर।